हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब भी खुश होंगे और अपने अपने गार्डन में व्यस्त होंगे या सुबह के काम निपटा रहे होंगे। सुबह का समय है दोस्तों, देखिए, और बहुत अच्छी हवा चल रही है। बारिश तो नहीं हो रही है पर बादल बादल हैं, मौसम बहुत अच्छा हो गया है। और ये देखिए, हवा से झूमते हुए मेरे पेड़ कितने अच्छे लग रहे हैं दोस्तों। ये देखिए, काफ़ी तेज़ हवा चल रही है। बहुत दिनों बाद इतना अच्छा मौसम हुआ है तो मैंने सोचा चलिए अपने पेड़ पौधों के को शेयर करती हूँ आपके साथ, दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने आपसे ये अपना छुई मुई का पेड़ किया शेयर किया था। इसको छुई मुई भी बोलते हैं, लाजवंती भी बोलते हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं। मुझे बहुत सारे नाम तो नहीं पता है पर ये दो नाम मुझे पता है कि छुई मुई बोलते हैं और एक लाजवंती बोलते हैं। बहुत ही प्यारा पौधा होता है दोस्तों ये। सबको मेरे ख्याल से तो अपने गार्डन में सभी को लगाना चाहिए क्योंकि इतना सुंदर पौधा होता है ये, बहुत अच्छा। मैंने आपको बताया था कि मैं कहीं बाहर घूमने गई थी और तेज़ गर्मी की वजह से और सही टाइम पे पानी ना लगने की वजह से ये मेरा पूरा पौधा सूख गया था, और मैंने वो पौधा आपसे शेयर किया था, रिपोर्टिंग की थी इसकी दोबारा से। तो इसकी कुछ ब्रांचें ऐसी थीं जो बिल्कुल सूख गई हैं, देखिए ये देख, लेकिन वो मैंने काट के अलग नहीं की थी। और अब एक दिन की बारिश हो गई थी परसों हमारे यहाँ, उसके बाद से तो बारिश नहीं हुई है, लेकिन मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है, एकदम बादल बादल हो रहे हैं, हवा भी चल रही है। तो वही मैं दिखा रही हूँ। और उस इसके बाद इस पेड़ ने इतनी अच्छी ग्रोथ ली, जैसे ही मैंने इसकी रिपोर्टिंग की 2 दिन बाद ही पूरा मेरा पेड़ हरा हो गया था। बस पानी की कमी की वजह से ये पूरा सूख गया था। अगर मैं इसको रिपोर्ट नहीं करती तो ये पौधा पूरा सूख जाता, और फिर मेरे पास इसके बीज भी नहीं थे जो मैं दूसरा पेड़ लगा लेती। तो मुझे बहुत ही खुशी हुई जब मेरा ये पौधा बच गया। तो आज मैं आपको इसमें कुछ ऐसी चीज़ें दिखाऊंगी और इसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको इसके फूल दिखा रही हूँ, कितने प्यारे फूल हैं। देखिए आप, कितने सुंदर फूल आते हैं छुई मुई के। और जब ये देखिए ऊपर इसके जो ये बने हुए हैं, ये सारे फूल जब एक साथ खिलेंगे तब मैं आपसे शेयर करूँगी। अभी तो कुछ ही फूल खिले हुए हैं, रोज़ 2-4 फूल खिलते हैं। और देखिए एक फूल ये खिला हुआ है। सब जगह इसके फूल, जब पूरा पेड़ भर के एकदम से फूलों का आएगा तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। 2-3 फूल इधर खिले हुए हैं, ये देखिए कितने प्यारे फूल हैं, एकदम पिंक कलर, बहुत ही ज़्यादा पतले पतले से रेशे वाले फूल हैं इसके, बहुत सुंदर लगते हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले मैंने ये पेड़ एक कटिंग लेके आई थी, कटिंग मेरे से सूख गई थी तो वो नहीं चली थी। उसके बाद मेरे पास तो 2-4 बीज पड़े हुए थे छुई मुई के, तो वही मैंने डाल दिए थे। वो बीज भी ऐसे ही गमले में लगे रहे पर उगे नहीं, लेकिन जैसे ही बहुत अच्छा सा मौसम हुआ और ये बीज एकदम से अपने आप ही मिट्टी में दबे दबे अचानक से ग्रो हो गए, तब मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा चलिए छुई मुई लग गए, इनको तो छूने में भी बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। ज़रा सा हम ऐसे करके हाथ लगाएंगे और ये एकदम से बंद हो जाते हैं, ये देखिए बंद हो गया। तो जब भी हम लोग छत पर आते हैं तो इनको छू के जरूर जाते हैं और थोड़ी देर बाद ही अपने आप ही खिल जाते हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैं आज इसकी पूरी केयर बताऊंगी आपको, कैसी मिट्टी में लगाना चाहिए, कैसे लगा सकते हैं, कहाँ पर रखना चाहिए। सबसे पहले हम बात करें इसके लिए पॉट साइज की। तो दोस्तों ये मेरा 8 इंच का पॉट है, ये देखिए, और इसमें बहुत अच्छी तरह से ये ग्रो हो रहा है। और मुझे इसकी 8 इंच के पॉट में ही ये काफ़ी टाइम तक लगा रह सकता है, 1 साल तक मैं इसी पॉट में लगा रहने दूंगी, क्योंकि ये पेड़ भी काफ़ी बड़ा हो जाता है। ये इस तरह से इसकी शाखाएं फैलती चली जाती हैं और इसमें कुछ दिनों बाद ही भी इस तरह से ये बड्स बनने लगती हैं इसकी और फूल आना है। इस समय फूल का सीजन चल रहा है, तो इसमें देखिए कितने सारे फूल आ रहे हैं। और जब ये धीरे धीरे फूल सूखने लगेंगे तो इसी में बीज भी बनने लगेंगे दोस्तों। और जब वो बीज बनेंगे तो हमें उन बीजों को हटाते रहना है। अगर हम इसमें बहुत सारे सीड्स बनने देंगे तो फिर इसमें फूलों की संख्या कम होती चली जाएगी, इसलिए जो जो फूल खिलते जाएंगे हम हटाते जाएंगे। हमें जितने सीड्स लेने हैं उतने ही फूलों को मैं पेड़ पे रखूंगी। तो इसको हम बीज से भी ग्रो कर सकते हैं, इसकी हम कटिंग भी लगा सकते हैं दोस्तों। मैंने पहले इसकी एक कटिंग लगाई थी लेकिन वो चल नहीं पाई थी, अब मैं दोबारा कोशिश करूँगी कि कटिंग से ये लगा सकूँ मैं। तो इसको बीज से हम ग्रो कर सकते हैं। और इसकी मिट्टी बनाने के लिए कुछ नहीं, ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है दोस्तों। इसको जो मिट्टी हम नॉर्मल अपने हर गमले की बनाते हैं वही मिट्टी मैंने बनाई है, और गोबर की खाद मिलाई थी उस गमले में मिट्टी के साथ, वही गोबर की खाद चल रही है। ऊपर से मैंने कोई भी खाद नहीं दी है, ना लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया है, केवल मिट्टी में जो डाला है वही इसके लिए काफ़ी होता है, क्योंकि हम उस समय जब मिट्टी बनाते हैं तो रिच मिट्टी बनाते हैं,
तो वही काफी है। इसमें सबसे बड़ी बात कि किसी भी तरह का कोई कीड़े का अटैक नहीं होता है दोस्तों। मेरे इस पेड़ में अभी तक किसी भी तरह का ना मिलीबग लगता है, ना माइट लगती है, कोई कीड़े का अटैक नहीं हुआ। इसलिए हमें कुछ भी स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। इंसेक्टिसाइड स्प्रे कोई भी नहीं किया है मैंने, और ऊपर से इसमें इसकी मिट्टी में कोई फंगस भी नहीं लगी है, क्योंकि एक तरह से ये जंगली पौधा माना जाता है, तो इसकी मिट्टी में भी फंगस नहीं लगती। लेकिन जब हम और गमलों में अपने फंगीसाइड का स्प्रे करते हैं, तो बरसात के टाइम में इसमें भी स्प्रे कर देंगे। देखिए दोस्तों, ये मेरे कल के खिले हुए फूल हैं और मैंने इस तरह से ये हटा दूंगी, क्योंकि इन सब में ये सीड्स बनने लगेंगे और ये नए नए फूल खिलेंगे। इसमें बहुत सारे फूल खिलेंगे जब, तब भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो मुझे बस यही सब बातें शेयर करनी थी आपसे। बहुत प्यारा पौधा लगता है, आप लोग भी अपने घरों में लगाइएगा। ये देखिए धीरे धीरे ये सारा बंद हो जाएगा। और दोस्तों, मैं ये वीडियो डालूं उससे पहले एक बात और कहनी थी। आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखा कीजिए। जब आप पूरा देखेंगे तभी तो हमें प्रोत्साहन मिलेगा। हम लोग भी नए नए गार्डनर हैं, तो आप लोग अगर देखेंगे पूरी वीडियो, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो हमें भी अच्छा लगेगा और आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलेगा। तो आप लोग बस, यहीं मैं अपनी वीडियो ख़त्म करती हूँ। आप लोग देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं वो लोग मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ ही घंटी का पास में बटन है वो भी दबा दीजिए। थैंक यू।